इसको आप लोगों ने दिखाऊं, ये पूरी गीता के अंदर कोई भी पेन से संबंधित इसमें कोई भी लिखाई को नहीं करी है, बल्कि क्यों है हाँ खरगोश को चित्र बनाए भी और वो कह लिखे जाए खरगोश को चित्र नेत्रहीन बच्चा के लिए फ्री शिक्षा, फ्री रहनो खानो पीनो सोनो सब फ्री है। अगर कोई आपका नजदीक इसे बच्चों हुए तो बिना ढ भेजो और बीको पालन पोषण भी लोग करेगा। भगवत गीता पे कोई नाम नहीं है, बल्कि टिक्की टिक्की यानी बिंदी से करके है। देखना में तो ये बिंदी बिंदी लगे, लेकिन नहीं मैं मारे भी मैं जो भी ब्रेल करेड़ो है वो आदमी न पढ़ सके। अच्छा नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ केआरपी, थे देख रहे हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों आज मैं पहुंचा हाँ श्री सुरजाराम जी सेवा ट्रस्ट मानव सेवा समर्पित संस्थान जीवन देसर के अंदर। अठे कुछ बच्चा है जगह नेत्रहीन बच्चा है और नेत्रहीन अठे गुरु जी है इस संस्थान में। अठे बाकी पढ़ाई भी हुए, बाको पालन पोषण भी हुए और मैं के अठे पढ़ाई कर रहे हैं के बारे में बातचीत करा, संगीत के बारे में भी कुछ बच्चा ने सिखावे और कथा और भी जगह धार्मिक कथा है भी अठे सिखावे, वो आप बातचीत करा के लिखने को बाको के नजरियो है क्या भाई लिखे है क्या पढ़ रहे है और क्या मैं कुछ सीख है अठा में पहुंचा हाँ। तो आयो कर बातचीत। तो इस साइड है नेत्रहीन गुरुजी है और नेत्रहीन बच्चा भाई गुरुजी बने पढ़ावे पढ़ाने को काम करे। सब पहले पोता परिचय लेने की कोशिश करांगा चारों से, सब पहले पोता गुरु जी बातचीत करा। नमस्कार गुरुजी, राम राम। नमस्कार जी, क्या नाम है गुरु जी अपना? मारो नाम कन्हैयालाल वैष्णव है। कन्हैयालाल जी वैष्णव, अब ये भाई वहाँ बातचीत करा। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, और फिर आऊँ आप दूसरा हूँ बातचीत कर। आपको क्या नाम है? मेरा नाम चिंकेश मोदी। चिंकेश मोदी, दिखा बाद में एज का हारमोनियम पर खड़े आऊँ आप बातचीत कर। क्या नाम अपना? मेरा नाम धीरज कुमार। धीरज कुमार, तीन स्टूडेंट है, एक गुरुजी है। नहीं नहीं, दो स्टूडेंट और एक और है एज का दो गुरुजी दो स्टूडेंट। अच्छा, दो गुरुजी है दो स्टूडेंट है। तो सब पहले पद गुरु जी आप सिखा रहे हो बच्चा ने, पढ़ाई सिखा रहे हो, शिक्षा सिखा रहे हो और संगीत भी सिखा रहे हो? संगीत भी है, पढ़ाई भी है और गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है और कंप्यूटर भी सिखाओ। अच्छा, कंप्यूटर भी सिखाओ है। तो सब पहले पद में गुरु जी आपने एक चीज पूछना चाहूँ जी हाँ, नेत्रहीन आ चीज को नहीं जाने के कबूतर की बात रख, कै कबूतर कबूतर थे लोग कभी देखो को नहीं शायद मन लगा कबूतर देखे को उड़ना हो कबूतर तो अभी ने कै कबूतर ने किया मन में या सोच सकोगा कै कबूतर है वहां के कै कबूतर को मतलब नहीं, कबूतर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब को नहीं, कैसे ही मतलब है, कैसे मतलब है कै को क्या उच्चारण करो क्या समझाओ थे कै बोला तो भी ने कै कबूतर ही हां हां पण कै का मां के बिंदु हो वो बिंदु समझाया करा। अच्छा, बिंदु समझाया करा। अब जब माने समझावा कै कबूतर कै खरगोश, खरगोश ने देखियो है हाँ, खरगोश को चित्र बनाए भी और वो कह लिख लिखे जाए खरगोश को चित्र कबूतर कह लिखकर भी कबूतर को चित्र बनी जाए चित्र बने तो वो थारा मन में चित्र कौन बनी जाए तो थारा मन में क्या बना मन में बना ही कोई मन में बिंदु से मतलब बिंदु रहे। अच्छा, बिंदु रहे बिंदु से मतलब थाने में क्या बताऊ। अच्छा, क्या बता सी सर क्या क्या को है वो मैं थाना बताती हूँ है ना। अच्छा, वो देखो ओ कह है हाँ ओ कह है। अच्छा, ये मैं दो बिंदु है देखो अटी ने कहा हो जा करे वहाँ की ब्रेल में छह बिंदु हो जा करे छह बिंदु ब्रेल सारा अक्षर छह बिंदु में बना है। अच्छा, छह तो एक दो तीन अटीन हो जा करे और एक दो तीन अटीन हो जा करे अटीन एक दो तीन अटीन चार पांच छह। अच्छा, लेफ्ट में एक दो तीन। चलो मैं समझाऊ मार दर्शकन छोड़ो एक बार दर्शकों मैं आप लोगों ने आप बता दू के कबूतर के नीचे आप देख पा रहे हो दो बिंदी है टच करके बिना महसूस करे एक और तीन एक और मतलब है कै कबूतर और भी के बाद खै के नीचे भी दो है सर भी चार छे। अच्छा, चार छे मतलब जोड़ने के बाद में देखो ध्यान से भी राइट साइड में खाना में राइट साइड में और एक खाना में के दूसरों का इतने जो कै है वो लेफ्ट साइड में खै राइट साइड में खाना का मायने भी के बाद में गय में चार बिंडी है गय में चार एक दो चार पाँच चार हाँ सही है। तो इस सब जगह है बच्चा ने पढ़ा। अब मैं आऊ निवेदन करना चाहूँ कि इन्हें थोड़ा लिख के दिखाओ माने क्या लिखो थे या कै कबूतर या फिर जो भी है लिखवा को ले आएगी लिखवा की बात है कलम ले आएगी आएगी आ या कलम है आ क्या चीज है सर नहीं आ कलम अलग हो जाएगा सुबह वाली ले अच्छा कलम ले आओ कलम कलम कोनी ले आया कलम ले आवे कलम ले आ रहे। अच्छा ओके सर ओके चीज लिखवा की है। अच्छा देखो
छिंदु बनेड़ा है। अच्छा। अगर एक तीन लिखनो है क्या लिखनो है, एक का मायने खाडो कर दे और तीन का मायने खाडो कर दे। अच्छा क्या बन जा सी लिखना है तो एक दो में खाडो कर दिया, तीन चार पांच में खाडो कर दिया, तीसरी और छठी बिंदु में खाडो कौन करा तो वो गण गय बन जा सी। ये हिसाब से बनी जाए। अच्छा हिसाब से बना ये सब खाडा बनेड़ा सब में छे एक एक खाना में छे खाडा है। सर मैं एक चीज भी पूछना चाहूँ, आप कब तक पढ़ाई करियो सर? बीए करियो। अच्छा बीए करियो, तो अपना जगह पेपर है लिखित में हुआ या फिर कंप्यूटर में? लिखित में होया करे माकी पढ़ाई में आठवीं तक। आठवीं तक नवीं माने राइटर मिलया करे, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न होया करे बी टाइम माने राइटर मिले वो लिखे और मैं बोला। बोर्ड में भी राइटर मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। बारहवीं में भी राइटर मिले और कॉलेज में भी राइटर मिले। अच्छा अभी थे मैं बोला वो लिखे, वो लिखे अलग बंदा मिला था। अभी के बाद में एक गुरु जी और है, युवा भी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चिंकेश मोदी है। चिंकेश मोदी जी, आप भी कुछ आपने कब तक पढ़ाई करी हो? मैं बीए कर रहा हूं जी। अच्छा बीए कर रहे हो? हैं बीए कर ली। अच्छा कर ली। और एक कंप्यूटर का भी ट्रेनर है, कंप्यूटर भी कर। अच्छा आप कंप्यूटर भी चलाओ? हाँ जी। अच्छा क्या ऑपरेट करो बे, महसूस क्या करो थे कीबोर्ड पे? कंप्यूटर में तो मैं एक रीडिंग सॉफ्टवेयर का ला, वो स्क्रीन पे यानी किमी भी लिखेड़ो आवे वो पढ़ के बतावे। अच्छा अब जहाँ पर डेस्कटॉप पा तो वो बता दे वो डेस्कटॉप है और यो आइटम आप सेलेक्ट कर रखे हुए, वो डाउन एरो अप एरो एरो कीज जो होती है भी के माध्यम से मैं अच्छा भी ने नेविगेट करा। अच्छा सर एक बुक्स पड़ी है क्या चीज की है ये? एक मिनट। फर्स्ट पेज है क्या ये? फर्स्ट नहीं नहीं सर मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। ये है श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा ये श्रीमद् भगवद गीता है। पदच्छेद। कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा नीचे करके दिखाई भाई साहब। ये देखिए इसमें ना कोई नाम लिखा हुआ ना कोई और है, इसमें डॉट्स है, डॉट्स बने। इस साइड नाम नहीं। अच्छा, इधर उधर नहीं, नहीं इस साइड कुछ नहीं है, नहीं नहीं भाई साहब नहीं है। अच्छा ये भगवत गीता पर कोई नाम नहीं है बल्कि टिक्की टिक्की यानी बिंदी सी करके है कुछ। देखना में तो ये बिंदी बिंदी लगे लेकिन नहीं मैं मारे भी मैं जो भी ब्रेल करेड़ो है वो आदमी न पढ़ सके। अच्छा पढ़ के सुना रहे आप देखो थे आप पढ़ के बताया। श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अनवय साधारण भाषा टीका सहित। साधारण में है मतलब ये टीका सहित दी गई है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर की है 273005 गोविंद भवन कार्यालय। अच्छा का संस्थान दर्श को आप रुको मैं दर्श को आप लोगों ने दिखाऊं ये पूरी गीता के अंदर कोई भी पेन से संबंधित इसमें कोई भी लिखाई को नहीं करेड़ी है बल्कि इसमें आके जगह क्या बोले अगर इन्हें ये श्रीमद् भगवत गीता ब्रेल लिपि। अच्छा ब्रेल लिपि में ये लिखी हुई है ना है नहीं सर? जैसे अपनी देवनागरी लिपि होती है भैया ये ब्रेल लिपि बोल रहे हैं। अच्छा पूरा का पूरा पेज है जगह आप लोगों ने वाइट नजर आ रहा देख पा रहे हो पर आंख समझ में है जगह का मां लिखेड़ा है पर हमारे समझ में कोई जो कुछ भी या पढ़ाई कर ले अभी ना समझ में आ जाए। अच्छा या पढ़ाई तो अब अपन सर है जगह ऐसे सर अपन लिख के दिखावागा कुछ आपने पेन ला दी है? हाँ सर पेन तो ला दी पर कागज को ले आ। अच्छा कागज को नहीं लिया कागज भी लेके आओ तो अरे एक ही साइड हारमोनियम पे भी है आऊं आप परिचित करा। नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है जी आपनो? मेरा नाम धीरज पाल। धीरज पाल जी ये हारमोनियम आप ही बजा रहे हो? हाँ ये हारमोनियम मैं बजा लेता हूँ वो जो पहले आपने कन्या सर से बात की थी वो है हमारे संगीत टीचर उन्होंने सिखाया तो मैं बजा लेता हूँ। अच्छा सर ने सिखाया है? कितने वर्षों से बजा रहे हो आप? नहीं नहीं अभी हम बजा पहले हम नहीं बजा पाते थे पर अब जब से हम 6-7 महीने हो गए लगभग हम स्कूल में आए हैं तब से बजा पाते। अब बजा रहे हो? पहले नहीं आता था? नहीं नहीं अब लगभग वैसे पूरा बजा लेते हैं हम कोई कीर्तन हो वो तो हम अपने आप बजा लेते हैं। अच्छा 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 थोड़ा सा बजा के दिखाओ थोड़ा सा। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम
बहुत शानदार, बहुत शानदार। बस बस देखिए दर्शकों, नेत्रहीन लोग दुनिया नहीं देख सकते, बल्कि दुनिया को कुछ न कुछ करके जरूर दिखा सकते हैं। बहुत ही शानदार आवाज है, बहुत ही शानदार। सर इसमें वो कागज लगा दिया। अच्छा, अब आप बातचीत करा, बहुत ही शानदार आवाज आप लोगों ने सुनी, और अब आपकी राइटिंग भी आप देखा के साबु है लिख रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब, इन उठाने की कोशिश करें, इन साइड में ले जाओ, ले जाओ साइड में। और अब आप आपकी देखिए राइटिंग देखा के साबु लिखा। हाँ देखो, हाँ सर, सर लिखाओ लिखाओ कुछ। हाँ सर लिखो, राम लिखो पहले तो आप। राम लिखांगा तो आप देखो छोट हुआ अपना ब्रेल का लिखी जगह जी, छह बिंदु में हमारी पूरी ब्रेल बने रही है। तो इम जिया लिखना तो एक दो तीन पांच रह बन गयो, एक दो तीन पांच ओ बन गयो रह। अभी मैं बड़ा आगे मात्रा आसी, अब मात्रा देखी है तीन चार पांच बड़ा, अभी आगी तीन चार पांच बड़ा, अब मात्रा आगी रह रह बड़ा रह रह हो गयो। अब इम मा आगो एक तीन चार मा, अब ओ राम लिखी जगह। अच्छा, अब इन अपाठ है देखा देख सका। अब ओ लिखे बड़ा मैं राम। शाबाश है, और राम है पर अपन को नजर आ, पर आखी जगह नेत्रहीन लोग है जरूर पढ़ सके। इन ब्रेल लिपि बोला सर, ब्रेल लिपि, ब्रेल ब्रेल लिपि, ये लुई ब्रेल जी के द्वारा इनका निर्माण किया गया। अच्छा, निर्माण किया गया। सर आपसे एक बातचीत करना चाहूंगा कि एक अगर मनुष्य के एक चीज की कमी हो तो बिन भगवान है जो कि कई चीज ज्यादा एक्स्ट्रा दे, सत्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की कृपा रहती है, वो किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी। अगर आपको भगवान ने आंखें नहीं दी तो आपको अलग से दिमाग दिया होगा, अलग से भगवान ने कोई ना कोई गुण भगवान हाँ, देके जरूर भेजते हैं, देके जरूर भेजते हैं। तो इस संसारिक दुनिया को क्या कहना चाहोगे सर आपसे थोड़ी सी? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है या शरीर से किसी भी अंग से वो अक्षम है तो वो अपने मन में उदास होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अपने को टटोलने की आवश्यकता है कि हम किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो अगर आदमी मेहनत करेगा, अपने खूबी को पहचान लेगा कि मेरे अंदर ये खूबी है, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। और आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी कोई दृष्टिहीन बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो वो उसका स्वागत है, यहाँ पे आए और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करे। यहाँ हर चीज निशुल्क है। हाँ सर, सब खाना पीना रहना, यहाँ तक कि तेल साबुन सब चीज, हर चीज निशुल्क है, कोई किसी तरह का निःशुल्क नहीं लिया जाता। चलो सर, आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा। दर्शकों मैं आपको एड्रेस आप लोगों ने बता दूं, सरदार सेरू करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, जीवन देसर गांव के पास में ही है। अठे नेत्रहीन बच्चा के लिए फ्री शिक्षा, फ्री रहनो खानो पीनो सोनो सब फ्री है। अगर कोई आपका नजदीक इस बच्चों हुए तो बिना अठे भेजो, और बिको पालन पोषण भी ए लोग करेगा, वो एक ट्रस्ट है जो बिकी पूरी सेवा करेगा और बिना पढ़ाई भी सिखावेगा। ये वीडियो ने थोड़ा सा शेयर जरूर किया ताकि कोई नेत्रहीन बच्चों है जो पढ़ाई वंचित न रहे। मिला दोस्तों की इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।